नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। पहाड़ों में शिक्षा हासिल करने में बच्चों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले तो संसाधनों की कमी और दूसरा कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कि छात्र स्कूल भी पढ़ाई के लिए नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा शहरों में लाइब्रेरी के जरिए छात्रों को पढ़ाई करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। पहाड़ों में इस तरह की सुविधाएँ मिलना सपना जैसा ही रहे, लेकिन नैनीताल जिले के युवाओं ने एक अनोखी पहल की है जिससे पहाड़ों में भी आसानी से किताबें उपलब्ध हो रही हैं। आपको बता दें, नैनीताल जिले के सुदूरवर्ती कोटा बाग विकास खंड के गांव बागनी, जलना, महलधुरा, आलेख, गौतिया, दिनवा खरक, बांसी में भयंकर बरसात के बाद हुई छुट्टियों में हिमोत्थान द्वारा संकल्प यूथ फाउंडेशन संस्था की मदद से बच्चों तक बाल साहित्यक पुस्तकें पहुंचाई जा रही हैं। जहां एक और उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण विद्यालय बंद है, कई पर्वतीय गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कट चुका है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा संकट सभी के सामने था। इस परिस्थिति में पहाड़ के बच्चों के घर तक पुस्तकें पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। इस परिस्थिति में इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बच्चों तक पुस्तकें पहुंचाने का केवल एक रास्ता बचा था, जो कि घोड़ा था। इसलिए संस्था के प्रोजेक्ट एसोसिएट लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर शुभम बधानी ने पहल शुरू की और एक चलती फिरती लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसके कदम पहाड़ों की चढ़ाई में भी निरंतर आगे बढ़े और नाम दिया घोड़ा लाइब्रेरी। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि इसमें घोड़ों का सहयोग कम्युनिटी द्वारा दिया जा रहा है। अभिभावकों के बीच ही किसी एक अभिभावक द्वारा हफ्ते में एक दिन के लिए अपने घोड़े का सहयोग घोड़ा लाइब्रेरी के लिए दिया जाता है। गर्मियों की छुट्टियों से हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। इसमें हम लोगों ने, क्योंकि पहाड़ के बच्चों के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते और यहाँ पर कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है, इस वजह से हमने लाइब्रेरी की बुक्स घर घर जाकर घोड़ों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध करा रहे थे। अभी जुलाई के माह से जब विद्यालय खुले भी, तो उसके बाद अभी वर्तमान की परिस्थिति ये है कि बरसात के कारण और आपदा की वजह से उत्तराखंड में अधिकांश क्षेत्र आपदा की मार झेल रहे हैं। इस वजह से विद्यालयों में भी अवकाश करना पड़ा है। विद्यालयों में अवकाश के कारण कहीं ना कहीं बच्चों को लर्निंग लॉस हो रहा है। इस वजह से हम लोगों ने पुनः एक बार घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। हम लोग आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से अलग अलग पर्वतीय गांवों के तोकों में बच्चों को लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें कम्युनिटी का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। कम्युनिटी द्वारा हमें निःशुल्क घोड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमारी संस्थाओं द्वारा बुक्स घोड़े पर लाद कर अलग अलग तोकों में ले जाई जा रही है और बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। जी सर, ये जो हमारा घोड़ा लाइब्रेरी हमने जो स्टार्ट किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है, जो ये अभी हमारे पहाड़ में निरंतर स्कूल बंद है बारिश की वजह से, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है कि मुख्य हम घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को किताबें उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी घर घर जाके। हम गाँव के अलग अलग तोकों में जा रहे हैं और घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से उनको, बच्चों को किताबें उपलब्ध करा रहे हैं। और इसमें हमारे जो कम्युनिटी है उसका सहयोग है कि घोड़े हमें कम्युनिटी उपलब्ध करा रही है। आज हमारे स्कूल में घोड़ा लाइब्रेरी आई है, उसमें से हमें एक बुक मिली है, पुणे दिया चकमा। आज हम घर जाके इसे पढ़ेंगे। उत्तराखंड में जहाँ एक ओर मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, तो वहीं मानसून के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। तो वहीं सरकार और मौसम विभाग द्वारा जारी किए जा रहे अलर्ट को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मूड पर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में जहाँ एक ओर बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह ठहर गया, तो वहीं स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तो संकल्प यूथ फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो स्कूल बंद है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, उनके लिए एक नई पहल शुरू की है घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से। संस्था के जो प्रतिनिधि लोग हैं, प्रतिनिधि मंडल में जो शामिल लोग हैं, वो ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से उनको पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। संस्था की इस पहल को लेकर लोगों द्वारा जमकर प्रशंसा की जा रही है। तो वहीं संस्था के में शामिल लोगों का कहना है कि बच्चों की जो भी पढ़ाई जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उसको दूर करने का प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो कोटा बाग
विकास खंड की अगर बात करें तो संस्था द्वारा घोड़ा लाइब्रेरी इस क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों में घोड़े के माध्यम से पहुँचे और स्कूली बच्चे जहाँ स्कूल बंद थे उनको जो है शिक्षा से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराकर उनका ज्ञान बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे जैन। ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे एन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।